त्योहारों की रौनक, दुकानों में सन्नाटा, ग्राहक को तरस रहे व्यापारी, ऑनलाइन सेल से ऑफलाइन खरीद। जब भी कोई त्योहार आता है तो रौनक बाजारों से पता चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आलम यह है कि दिवाली से चंद दिनों पहले भी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह ऑनलाइन मार्केटिंग बताई जा रही है। त्योहारी सीजन में चलने वाली सेल्स में ऑनलाइन ग्राहकों की खरीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हर फेस्टिव सीजन में चलने वाली ऑनलाइन महासेल में 55,000 करोड़ रुपए की ग्राहकों ने ऑनलाइन खरीदारी कर डाली। ये बात अब छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को डराने लगी है। जो दुकानदार के यहाँ जब भी हम आते थे तो ग्राहक लगे रहते थे, लेकिन ऑनलाइन महासेल के कारण अब इतने ग्राहक दिखाई नहीं पड़ते। और दुकानदारों का भी कहना है कि करीब करीब 70% जो लोग हैं जो आते थे वो अब ऑनलाइन की तरफ जाने लगे हैं। यही कारण है कि जो ऑफलाइन दुकानदार हैं उनके पास अब ग्राहक कम आ रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं इनके लिए चिंताजनक विषय भी है। दुकानदारों का कहना है कि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी संख्या कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास मिलने वाले सामान का दाम ऑनलाइन विक्रेताओं के मुकाबले ज्यादा होते हैं। अब आलम यह है कि इक्के दुक्के लोग जो पुराने ग्राहक हैं वही इन दुकानों से खरीदारी कर रहे हैं। सर, देख रहे हैं कि आजकल फर्जी सेले दिखा दिखा के सारे ग्राहकों को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप देख रहे हैं मार्केट पूरी तरीके से खाली हो चुका है, और माँ जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं कम मैन्युफैक्चर से माल लेके स्टॉक कर दे रही है, तो उसमें जो हम छोटे व्यापारी हैं वो मर जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो चीज़ 1,000 रुपये की आई हुई है वो आपको ऑनलाइन 800 रुपये की मिल रही है, तो ग्राहक हमसे 1100-1200 में क्यों लेगा, 1,000 रुपये में भी क्यों लेगा। नहीं, बहुत फ़र्क पड़ गया है अभी पहले के मुकाबले में, और अब के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। पहले कस्टमर मार्केट आता था, घूम लेता था, फिर लेता था, अब क्या है आदमी परचेस कर लेता है, ऑनलाइन घर पे आ जाता है, थोड़ा सा उससे फर्क भी पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रही है ऑनलाइन शॉपिंग। सामान के सस्ते दाम उपलब्ध होते हैं, साथ ही साथ ग्राहकों की समय की भी बचत होती है, और एक सहूलियत जो मिलती है वो है डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस, यानी कि मार्केट की भीड़ से निजात मिलती है। साथ ही साथ इनमें बड़े सेलिब्रिटीज विज्ञापन करते हैं जो कि बेहद लुभावने साबित होते हैं। ऑनलाइन खरीदारी लगातार ग्राहकों की पसंद बनती जा रही है, ऐसा क्यों है अब खुद ग्राहकों से सुनिए। ग्राहक के मन में एक बात रहती है, ग्राहक जब अपन शॉपिंग करने जाते हैं तो अपन को एक डिस्काउंट का एक माइंड में इफेक्ट हो जाता है कि हमें कहीं डिस्काउंट मिले, और वही ऑनलाइन वाले हमारे माइंड में सेट कर रहे हैं कि डिस्काउंट डिस्काउंट एंड डिस्काउंट, वही डिस्काउंट के कारण ग्राहक ऑनलाइन जा रहा है और ऑफलाइन छोड़ता जा रहा है। सामान सस्ता मिलता है और ऑफर बढ़िया रहते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट में भी है, मतलब पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है, और पार्किंग अगर नहीं मिले तो अपनी गाड़ियाँ भी उड़ जाती हैं कभी कभी, और घर बैठे अपना सामान भी आ जाता है, बढ़िया सुविधा रहती है। आजकल का जमाना इंटरनेट का है, ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलियत लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल है। व्यापारी संगठन का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी बेरोजगारी बढ़ा रही है, वो कैसे सुनिए। देखिए, कहीं ना कहीं हम अगर ये समर सेल को देखें तो कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता को दिवालिया करने का एक पागलपन है। वो इसलिए क्योंकि EMI का एक जाल बिछाकर जिस तरीके से समर सेल लगाई जाती है उसमें हर उपभोक्ता कोशिश करता है मैं अपने घर में हर सामान लूँ, उस सामान को लेने के चक्कर में वो समर सेल में जाता है, उस तरीके का कुत्ता करता है। वो बेरोजगारी आज दिखती भी है। आज हम लोग का धंधा मात्र 30% बचा है और आने वाले समय पे हम टोटल खत्म होने की कगार पे। ऑनलाइन चलने वाली महासेल को देखकर ऑफलाइन दुकान चलाने वालों पर असर इस कदर है कि छूट देने और अपने स्तर पर विज्ञापन करने के बाद भी ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं। सर, 80% सेल चला रहे हैं, उसके बाद भी क्या है, ग्राहकों की बहुत परेशानी रहती है। ऑनलाइन ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। ऑनलाइन में हालांकि रोजाना कस्टमर को धोखा होता है, उसके बाद भी जो है कस्टमर यहां पर बहुत बड़ी मुश्किल से आता है। त्योहारी सीजन में चलने वाली ऑनलाइन महासेल ने ऑफलाइन दुकान चलाने वाले दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब ग्राहक दुकान की तरफ आने की बजाय घर बैठे ऑर्डर करने का रास्ता अपनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।